लगातार बारिश को देखते हुए नगर निगम ने अपने सभी रेगुलेटर को सक्रिय कर दिया है। हावड़ बंधे पर लगा 8 रेगुलेटर में से अभी एक रेगुलेटर चलाया गया है, जिससे पानी की निकासी की जा रही है। वहीं रेगुलेटर नंबर 3 पर ताला लटका हुआ था, बारिश के कारण वहां जमीन धसकने से अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त ने बताया कि इस समय कुल 148 पंप जल निकासी के लिए लगाए गए हैं, जिसमें 10 अस्थाई पंप और बाकी अस्थाई पंपों से जल निकासी की जा रही है। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि 11 रेगुलेटर सक्रिय किए गए हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने कहा, रेगुलेटर वा खुलता नहीं का? ताला बंद दिखत रही है तो ताला बंद गिर गया। देखिए, हमारे 11 रेगुलेटर हैं और वहाँ पे जितने भी पंप हैं सब चल रहे हैं पानी निकासी के लिए। कटनिया का रेगुलेटर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आज बंद कर दिया है, उसको गिरा दिया है ताकि नदी का पानी शहर में ना आने पाए। इसके अतिरिक्त शहर में 10 हमारे स्थाई पंप लगे हुए हैं, जो स्थाई पंप सब चल रहे हैं। और जहाँ पे अस्थाई पंप की व्यवस्था है, 66 अस्थाई पंप पूरे शहर में लगाए गए हैं। इस प्रकार से पूरे शहर का अगर आप देख लेंगे तो 148 पंप जल निकासी हेतु लगाए गए हैं।